Hello friend, welcome you all again on ASP means Alka Study Point. Friends, as you already know that I'm completing a series of 5000 question and answer series of English literature, in which I have uploaded 25 more videos on English literature, in which I have covered British literature, American literature, non-British literature, literary theory and criticism, and rhetoric and prosody. Indian literature also, 2 parts of Indian literature has been uploaded. This is the 3rd part of the Indian literature from the question number 41. Without wasting time, let's start our question answer series. Friends, our first question is, for which of the following poems? Question क्या है? For which of the following poems was Keki N. Daruwala given the Sahitya Academy Award? केकी एन दारूवाला को साहित्य अकेडमी अवार्ड कौन सा वर्क दिलाता है? किस वर्क से उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलता है? ऑप्शन 4 हैं सामने, अंडर द ओनियन, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, विंटर पोएम्स या फिर द कीपर ऑफ द डेड. चलिए, ये 4 ऑप्शंस हैं. इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? फटाफट आप कमेंट में बता दीजिए और मैं बताता हूँ. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, द कीपर ऑफ द डेड. क्वेश्चन अराइजेज फ्रॉम हियर. सॉरी, क्वेश्चन यहाँ से ये उठता है कि द कीपर ऑफ द डेड बाय केकी एन दारूवाला हैज़ बीन पब्लिश्ड इन विच ईयर? कौन से ईयर में द कीपर ऑफ द डेड पब्लिश हुई थी? तो फटाफट इसका आंसर आ सकता है 1982 में. हैंडराइटिंग थोड़ी बुरी है, उसके लिए माफ़ कर देना फ्रेंड्स. ओके, 1982 में द कीपर ऑफ द डेड किसके द्वारा लिखी गई है? केकी एन दारूवाला के द्वारा, और उसके लिए उनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था. अगर द कीपर ऑफ द डेड 1982 में लिखा गया था तो जानने वाली बात ये भी है कि अंडर द ओनियन किसने लिखा और कब पब्लिश कराई गई? केकी एन दारूवाला ने ही इसको भी लिखा है. अंडर द ओनियन पब्लिश कब कराई गई थी? 1970 को. अगेन अवॉइड माई हैंड राइटिंग. अंडर द ओनियन 1970 में पब्लिश कराई गई थी, तो क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स कब कराई गई रही होगी? चलिए इसको भी देख लेते हैं. यहीं से थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं. ये हो गया 1976 में. 1976 में क्या पब्लिश कराई गई थी? क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स. अच्छा, 3rd ऑप्शन जो है विंटर पोएम्स है, ये 1980 में. तो फिर इसको फिर से लिख देते हैं. 1980 में पब्लिश कराई गई थी विंटर पोएम्स. फ्रेंड्स, इसके 4 ऑप्शंस आप समझ गए होंगे. अगर आप चाहें तो थोड़ा सा हम इस चीज़ को बताएं कि केकी एन दारूवाला थे कौन. फ्रेंड्स, केकी एन दारूवाला इंडियन पोएट थे और इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था. इनका एक वर्क था जिसको हम क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं, द कीपर ऑफ द डेड. कब मिला था? 1982 में मिला था. साहित्य अकेडमी अवार्ड 1982 में, जो द कीपर ऑफ द डेड है वो 1982 में लिखा गया था, लेकिन इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड जो मिला था वो 1984 में मिला था. फ्रेंड्स, तो एक चीज़ आप श्योर हो जाइए कि 1982 में द कीपर ऑफ द डेड लिखा गया था, लेकिन इनको जो अवार्ड मिला था वो 1984 में मिला था. अब बात ये करते हैं कि केकी एन दारूवाला इंडियन पोएट थे और इनका जन्म जो हुआ था 1937 में हुआ था. इनके कुछ वर्क हैं. वर्क के पहले एक और इन्होंने अवार्ड पाया था, 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. क्या होता है फ्रेंड्स? 4th हाईएस्ट सिविलियन होता है, साहित्य अकेडमी अवार्ड नहीं, पद्म श्री होता है, जो कि 2014 में केकी एन दारूवाला को मिला था. 2014 में केकी एन दारूवाला को पद्म श्री मिला था. ये भी क्वेश्चन में आ सकता है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ कि साहित्य अकेडमी अवार्ड अब की बार पूछा है, अगली बार और पूछ सकता है कि पद्म श्री कब दिया गया था. तो 2014 में दिया गया था. अब इनकी कुछ बुक्स की बात कर लेते हैं. हमने इनमें 4 बुक्स की तो बात कर ली है. अंडर द ओनियन, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, विंटर पोएम्स, कीपर ऑफ द डेड की बात कर ली है. दूसरी कुछ वर्क जो हैं, लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, ये कब पब्लिश कराई गई थी? 2011 में. क्या नाम है? लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट. और नेक्स्ट वर्क की बात करें अगर, तो स्वेरिंग टू सॉलिट्यूड जो कि 2018 में पब्लिश कराई गई थी। नेक्स्ट एक वर्क था इनका जो कि पब्लिश कराई गई थी 2004 में। उस वर्क का नाम है द स्केयरक्रो एंड द घोस्ट, 2004 में पब्लिश कराई गई थी। 2008 में पब्लिश कराई गई थी द ग्लास ब्लोअर, 2003 में पब्लिश कराई गई थी ए हाउस इन रानीखेत। नेक्स्ट वर्क इनका था 2009 में फॉर पेपर एंड क्रिस्ट्स ए नॉवल। एक वर्क इनका और था जो कि बहुत फेमस था नैशापुर एंड बेबीलोन, नैशापुर एंड बेबीलोन ये एक पोएम थी। और एक वर्क था द घाघरा इन स्पेट, फायर हाइम, ये सारे इनके वर्क थे केकी एन दारूवाला के। तो इतने एडिशनल फैक्ट्स मैं आपको बता चुका हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42 पर। ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ केकी एन दारूवालाज पोइट्री, इनमें से कौन सा केकी एन दारूवाला की पोइट्री की खासियत नहीं है, क्वालिटी नहीं है। तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। इसके 4 ऑप्शंस हैं ए, बी, सी एंड डी। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, फेथफुल पोर्ट्रेयल ऑफ वेस्टर्न इंडियन लैंडस्केप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ केकी एन दारूवालाज पोइट्री, ये ऑप्शन सी इसकी क्वालिटी नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43 पे कि विच इंडियन राइटर हैज़ इम्ब्रेस्ड इस्लाम एंड चेंज्ड हर नेम टू सुरैया बेगम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुरैया बेगम का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुरैया बेगम में मतलब किसने अपने आप को इस्लाम में कन्वर्ट कर लिया था, जो इंडियन राइटर थी, तो वो थी कमला दास। पहले तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं, कमला दास थी। कमला दास ने अपना नेम चेंज करके सुरैया बेगम रख लिया था। इनके बचपन का भी एक नाम था फ्रेंड्स, बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम था माधवी कुट्टी। क्या नाम था इनका, माधवी कुट्टी। इनका जन्म कब हुआ था, 1934 में हुआ था और डेथ हुई थी 2009 में। इनके हस्बैंड का नाम था माधव दास, है ना। इनको एक अवार्ड मिला था जो केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड है। ये सब मैं कमला दास जी के बारे में बता रहा हूँ कि कमला दास का नाम माधवी कुट्टी था, पेन नेम था ये। और सुरैया बेगम भी कहा जाता था, कमला दास भी कहा जाता था। और इनका जन्म जो 1934 में हुआ था, 2009 में इनकी डेथ हुई थी। इनको कमला साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका था। इनके कुछ वर्क के बारे में, जो फेमस वर्क हैं, माई स्टोरी जो 1977 में पब्लिश कराई गई थी, इंग्लिश में 1977 में कराई गई थी। और जबकि इसका पब्लिकेशन डेट है 1 फरवरी 1973 में। तो ये इनका एक वर्क है। ओल्ड प्ले हाउस भी इनका एक वर्क है जो कि 1973 में पब्लिश कराई गई थी। इनकाउंटरिंग कमला 2007 का इनका वर्क है। तो कमला दास के बारे में इतने एडिशनल फैक्ट्स मुझे लगते हैं काफ़ी हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 44। ये क्वेश्चन है कि द कैरेक्टर ऑफ नलिनी, क्या क्वेश्चन है, द कैरेक्टर ऑफ नलिनी इज़ फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। क्वेश्चन है कि द कैरेक्टर ऑफ नलिनी इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, द फकीर ऑफ जंगीरा। मैं सारे ऑप्शंस इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि सारे ऑप्शंस बताने पे फ्रेंड्स कहते हैं टाइम वेस्ट होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है द फकीर ऑफ जंगीरा। अब अगर बात करें द फकीर ऑफ जंगीरा की, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि द फकीर ऑफ जंगीरा पब्लिश कब कराई गई थी। तो ये पब्लिश कराई गई थी 1829 में। द फकीर ऑफ जंगीरा का पब्लिश कराई गई थी 1829 में। तो फिर ऑप्शन ए की बात कर लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है, टू द पीपल्स। टू द पीपल्स पूरा इसका नाम है सोनेट्स टू द पीपल्स ऑफ द हिंदू कॉलेज, इसका पूरा नाम है। ये 1831 में, ये जो ऑप्शन ए है वो 1831 में पब्लिश कराई गई थी। ठीक फ्रेंड्स, ये किसका वर्क है, ये भी डेरोजियो का ही वर्क है। अब ऑप्शन बी आते हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी, द फकीर ऑफ जंगीरा कब पब्लिश कराई गई थी, 1829 में। बार बार क्वेश्चन को रिपीट करेंगे तो बहुत जल्दी आपको याद हो जाएगा। चलिए टू द पीपल्स की बात कर रहे हैं, कब ये पब्लिश कराई गई थी, 1831 में। अब आते हैं ऑप्शन बी पे, कोरस ऑफ ब्राह्मण कब पब्लिश कराई गई थी। इसको आप कमेंट करके बताइए, कुछ अब भी होमवर्क करिए, कोरस ऑफ ब्राह्मण्स। और ऑप्शन डी जो है हार्प ऑफ इंडिया, ये आप गूगल से सर्च करके या कहीं से भी सर्च करके कमेंट में लिख के भेजिए ताकि हमें पता चले कि आप भी कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस का वर्क आप कर रहे हैं। व्हिच ऑन द फॉलोइंग कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद अनीता देसाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद अनीता देसाई, इनमें से कौन सा अनीता देसाई से एसोसिएटेड नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी फायरहीम। फायरहीम किसका वर्क है, अभी मैंने बताया केकी एन दारूवाला का ये वर्क है। किसका वर्क है, केकी एन दारूवाला का वर्क है। बाकी फायर ऑन माउंटेन, अनीता देसाई को इस पर अवार्ड मिला था, कौन सा अवार्ड मिला था कोई बताएगा, साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था इनको 1978 में, अनीता देसाई को फायर ऑन द माउंटेन के लिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये फायर ऑन द माउंटेन क्या है, नॉवेल है। ये चीज़ें जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वाइस इन द सिटी, ये भी अनीता देसाई का ही वर्क है। किसका, अनीता देसाई का ही वर्क है। कब पब्लिश कराई गई थी, 1965 में। क्लियर लाइट ऑफ द डे, ये किसका वर्क है, ये भी अनीता देसाई का ही वर्क है। और कब पब्लिश कराई गई थी, 1980 में पब्लिश कराई गई थी। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, हमने सभी फैक्ट्स को आपके सामने रख दिए कि फायर ऑन द माउंटेन में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। कब मिला था, 1978 को। किसको मिला था, अनीता देसाई को मिला था। इतने सारे फैक्ट्स आपको YouTube चैनल पे कम जगह फ्री में पढ़ाने को मिलते हैं, इसके सब कोचिंग के पैसे लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 46 है। 46 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आथर्स रोट अ प्रीफेस टू जीवी देसानीज माली। यहाँ पर चार ऑप्शन है, ओ हेनरी, E.H. फॉर्स्टर, नथनील हॉथॉर्न, आर्थर मिलर। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, E.H. फॉर्स्टर। इसका करेक्ट ऑप्शन है E.H. फॉर्स्टर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ तोरू दत्त अपीयर्ड पोस्थमसली, तोरू दत्त का कौन सा वर्क पोस्थमसली अपीयर्ड हुआ था। इसका करेक्ट ऑप्शन है सावित्री। क्या है, सावित्री। अच्छा, तोरू दत्त के बारे में थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं। तोरू दत्त कौन थी, बंगाली ट्रांसलेटर थी, पोएट थी, है ना। कब इनका जन्म हुआ था, 1856 में। कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। डेथ कब हुई थी, 1877 में हुई थी। कहाँ डेथ हुई थी, कोलकाता में हुआ था। किस तरह की फैमिली की थी, बंगाली फैमिली की थी। इन्होंने अपना रिलीजन किस रिलीजन में चेंज किया था, क्रिश्चियनिटी में चेंज किया था, है ना। इनकी नेशनैलिटी ब्रिटिश इंडियन हो जाती है, ब्रिटिश इंडियन पोएट की। अच्छा, इनकी डेथ कितने साल में हो जाती है, सिर्फ 21 ईयर में हो जाती है। ये सब तोरू दत्त के बारे में हम बता रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तोरू दत्त के बारे में। इतनी चीज़ें इनके वर्क की अगर बात करें तो इन्होंने लक्ष्मण लिखा है, हिंदू लिटरेचर लिखा है ना। ओरिजिनल पब्लिकेशन हिंदू लिटरेचर का 2010, बियांका, द लोटस, सावित्री, ये सारे वर्क इन्हीं के हैं, है ना, तोरू दत्त के ही हैं। कुछ और वर्क की बात करें तो लाइफ एंड लेटर्स ऑफ तोरू दत्त, एंशिएंट बैलेट एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, आवर का श्रीनटरी कब पब्लिश कराई गई थी, 1881 में कराई गई थी। ए शरीफ क्लीन्ड इन फ्रेंच फील्ड, ये कब पब्लिश कराई गई थी, ये तो कमेंट में आपको बताना चाहिए। चलिए मैं बता देता हूँ, 1876। सब कमेंट में बताएंगे तो मेरे पढ़ाने से फ़ायदा क्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये है क्वेश्चन नंबर 48। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पोएम रिटेन बाय तोरू दत्त। अब इसमें बताना है, लक्ष्मण तो लिखा है, लोटस लिखा है, अभी हमने बता दिया। ये दोनों वर्क तो तोरू दत्त ने लिखा है, तो भैया कौन सा नहीं लिखा है। चलते हैं, दो और ऑप्शन है इधर, कहाँ यहाँ पर है। इसका करेक्ट ऑप्शन है सीता लॉस्ट। सीता लास्ट कौन सा, ऑप्शन सी। ठीक, कौन सा ऑप्शन सही है, सीता लास्ट ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे फटाफट। फ्रेंड्स आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि वीडियो जल्दी से आपके पास पहुंचे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटेन बाय रमेश चंद्र दत्त ओरिजिनली इन बंगाली एज मधीर कंकन, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा फ्रेंड्स? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटेन बाय रमेश चंद्र दत्त ओरिजिनली इन बंगाली, 49 ऑप्शन ए बी सी डी, करेक्ट ऑप्शन इज, एक सेकेंड, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी द स्लेव गर्ल ऑफ आगरा। फिर क्वेश्चन उठता है कि स्लेव गर्ल ऑफ आगरा कब पब्लिश कराई गई थी? 1909 में पब्लिश कराई गई थी। कब कराई गई थी फ्रेंड? 1909 में। यहाँ पर एक वर्क है, वर्क बी द लेक ऑफ पाम्स, ये कब पब्लिश कराई गई थी? 1932 में कराई गई थी। इसका सब टाइटल है ए स्टोरी ऑफ इंडियन डोमेस्टिक लाइफ, ए स्टोरी ऑफ इंडियन डोमेस्टिक लाइफ, इसका द लेक ऑफ पोएम्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी स्लेव गर्ल ऑफ आगरा। पब्लिश कब कराई गई थी? 1909 में कराई गई थी। लेकिन द लेक ऑफ पाम जो है उसका सब टाइटल है स्टोरी ऑफ इंडियन डोमेस्टिक लाइफ, कब पब्लिश कराई गई थी? 1932 में कराई गई थी। ये दो क्वेश्चन, दो फैक्ट हमने बताया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 50 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन एडिटेड बाय निस्सिम इज़कील, इनमें से कौन सा निस्सिम इज़कील के द्वारा एडिट नहीं किया था? टाइम ना बर्बाद करो, ऑप्शन ए बताओ, एंशिएंट बैलेड एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान बता के अगले क्वेश्चन पर चलो, क्वेश्चन नंबर 51 पे चलोगे और उसको पढ़ोगे। हु अमंग द फॉलोइंग हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन एम.के. गांधी, कौन सा, किसका इफेक्ट गांधी पर बहुत ज़्यादा था? लियो टोल्स्टॉय, लियो तौलिया। हु अमंग द फॉलोइंग हैड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन एम.के. गांधी पर किसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है? लियो टॉल्स्टॉय का पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लियो टॉल्स्टॉय पे कोई और वीडियो बना देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद मनमोहन घोष, इनमें से कौन सा मनमोहन घोष से एसोसिएटेड नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन बता के जल्दी से आगे बढ़ जाओ, वीडियो लंबी हो जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेरी पॉपुलर चिल्ड्रंस बुक रिटेन बाय सुधींद्रनाथ घोष, क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वेरी पॉपुलर चिल्ड्रंस बुक रिटेन बाय सुधींद्रनाथ घोष, इसका फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? जल्दी से बताओ, एंड गजल्स लीपिंग, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक फ्रेंड्स, अच्छा ये जो लिखा है दी वर्मिलियन बोट, ये किसने लिखा है? ये भी सुधींद्रनाथ घोष ने ही लिखा है। द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट किसका वर्क है? ये रस्किन बॉन्ड का वर्क है, 1881 में पब्लिश कराई गई थी। ये क्रेडल ऑफ द क्लाउड मुझे नहीं पता है, इसको कमेंट बॉक्स में करके कोई बताएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 54 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए collection of short stories written about the life of the Muslims at the time of partition, ये जो नहीं लिखा वो भी पढ़ लिए हम तो। चलिए 4 ऑप्शंस, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी फिनिक्स फ्लड एंड अदर शॉर्ट स्टोरीज। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग, ये ब्रश ले लिया करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज रिटन अबाउट द लाइफ ऑफ द मुस्लिम्स एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी फिनिक्स फ्लड एंड अदर स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज। क्वेश्चन नंबर 55 क्वेश्चन, आज फ्रेंड्स आज हम क्वेश्चन कराएंगे 100 के 100 क्वेश्चन कराएंगे और वो बहुत ही यूज़फुल है इंडियन राइटिंग से। इंडियन राइटिंग के बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते नहीं हैं और ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन फ्रेंड्स प्लीज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर कर लिया है तो बेल नहीं दबाया है तो बेल दबा दीजिए, और अगर लाइक नहीं किए हैं, सब्सक्राइब सब कुछ कर दिए हैं तो लाइक कर दीजिए, सो दैट आई मे बी मोटिवेटेड भाइयों। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड रूथ परवर झाबवाला विन ए बुकर प्राइज। चलिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से कौन सा वर्क रूथ परवर झाबवाला का बुकर प्राइज विनिंग वर्क है? चलिए देख लीजिए, ये सब खटाखट देखिए। और कौन सा है फ्रेंड्स? ये है ऑप्शन डी, अ न्यू डोमिनियन हीट एंड डस्ट के लिए। ये न्यू डोमिनियन हीट एंड डस्ट के लिए इनको कौन सा अवार्ड मिला था? बुकर प्राइज़ मिला था। बड़ी अच्छी बात है। अच्छा ऑप्शन ए, अब इसके आगे ऑप्शन ए पे चलते हैं ना। ऑप्शन ए पे टू होम शी विल, ये किसका वर्क है? रूथ परवार झाबवाला का ही वर्क है। द हाउस होल्डर कौन लिखा है? वो भी परवार झाबवाला ने लिखा, 1960 में लिखा था। और इस्मंड इन इंडिया, ये किसने लिखा? ये भी वो ही लिखे हैं और कोई नहीं लिखा है। फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी वर्क को जानना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश पढ़ना है या लेकर पछता रहे हो, मजबूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स कंटेम्प्रेरी लाइफ इन दिल्ली? यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, ए, बी, सी और डी। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी, टू होम शी विल। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स कंटेम्प्रेरी लाइफ इन दिल्ली? इसका करेक्ट ऑप्शन है टू होम शी विल। किसका वर्क है टू होम शी विल? आर यानी रूथ परवार झाबवाला का। अच्छा, इस्मंड इन इंडिया किसने लिखा है? वो भी उन्होंने ही लिखा है। दी नेचर ऑफ पैशन किसने लिखा है? उन्होंने लिखा है। द हाउस होल्डर आप कमेंट करके बताओ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इंडियन कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर इज एसोसिएटेड विद होम? 4 ऑप्शंस हैं। द इंडियन कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेचर इज एसोसिएटेड विद होम, इसमें करेक्ट ऑप्शन जल्दी से बता दीजिए फ्रेंड्स। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, के.आर. श्रीनिवास आयंगर। 57 का करेक्ट ऑप्शन है ए। और 58, हु वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1982? ऐसे क्वेश्चन आए तो कितना बढ़िया है, क्वेश्चन पढ़ने में मज़ा आ जाता है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, हु वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड, 1 लाइनर क्वेश्चन है। 1982 में किसको साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था? चलिए ऑप्शन डी पे चलते हैं, अरुण जोशी जी को ये अवार्ड दिया गया था। अरुण जोशी, अच्छा ठीक है, अरुण जोशी को साहित्य अकेडमी अवार्ड 1882 में दिया गया था। ठीक, वेरी गुड। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन्होंने कौन सा वर्क लिखा था? द स्ट्रेंज केस ऑफ बिली बिस्वास एंड द अप्रेंटिस, ये इनका वर्क था अरुण जोशी का। द स्ट्रेंज केस ऑफ बिली बिस्वास एंड अप्रेंटिस, द लास्ट लेब्रेंथ इन 1882, इस वर्क के लिए शायद इनको मिला था। इस वर्क के लिए मिला था या नहीं, लेकिन ये वर्क इनका ही है। बाकी अगर आपको अरुण जोशी के बारे में और पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और 59 में है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिड अरुण कोलाटकर विन द कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज़ इन 1977? 1977 में किस, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिड, किस वर्क के लिए उनको कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज़ मिला था? इसमें देख लीजिए चारों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन सी होगा, जेजुरी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज ओरिजिनली टाइटल्ड मानो माजरा? बहुत बढ़िया है यार, ट्रेन टू पाकिस्तान इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही। ट्रेन टू पाकिस्तान मानो माजरा एक प्लेस है, ट्रेन टू पाकिस्तान एक मूवी है, देखिए बहुत अच्छी मूवी है। अच्छी मूवी का मतलब इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद ये मूवी 1968 में 1999 के आसपास लिखी गई है। लेकिन जो खुशवंत सिंह ने लिखा था ट्रेन टू पाकिस्तान, किसने लिखा था? खुशवंत सिंह ने लिखा था। और इस वर्क के लिए 1956 में उनको एक अवार्ड मिला था अमेरिका से, जिसका नाम था ग्रोव प्रेस अवार्ड। खुशवंत सिंह के इस वर्क के ट्रेन टू पाकिस्तान, अमेरिका ने इनको ग्रोव प्रेस अवार्ड दिया था। कब दिया था? 1956 में दिया था। अच्छा, जो और वर्क हैं, ए लव अफेयर इन लंदन, ये किसका वर्क है बता दीजिए। चलिए बताइए, ए लव अफेयर इन लंदन किसका वर्क है? खुशवंत सिंह का ही है। तो अब हम पूछेंगे द मार्क ऑफ विष्णु किसका वर्क है? मैं इसको पूछ लिए तो आप बता दिए खुशवंत सिंह का, तो ये बताइए इसके कौन है? इसके भी खुशवंत सिंह है। ये ब्राइट फार साहिब अगर हम कह दिए तो इसका भी खुशवंत सिंह कहेंगे आप, बिल्कुल करेक्ट। तो ये सभी के सभी वर्क जो है खुशवंत सिंह के ही हैं, लेकिन मानो माजरा जो टाइटल किया गया था वो ट्रेन टू पाकिस्तान, इसको ऐसे कर देते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट मान लीजिए। चलिए अगले पे चलते हैं, एक ही क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आगे बढ़ना है। हु अमंग दी फॉलोइंग आथर्स हैज़ लॉस्ट फेवर विद रीडर्स एंड हुज पोएम्स अपीयर्ड इन एरियल मीनिंग्स क्वार्टरली एंड न्यूयॉर्क टाइम्स, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी शिव के कुमार, ऑप्शन बी शिव के कुमार इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पिक द करेक्टली मैच्ड पेयर। अच्छा इसका पेयर द रोज वर्ल्ड पीपल ये करेक्ट है, द फॉन शिव कुमार कौन सा करेक्ट है इसको देख लीजिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए द रोज वर्ल्ड पीपल इसका करेक्ट ऑप्शन है। चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं जल्दी जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग नरेट्स द स्टोरी ऑफ द इंडियन म्यूटिनी ऑफ नाना एंड नाना साहेब, इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? यह कान्होजी एंग्री डेड एंड लिविंग सिटीज़, ये दोनों तो नहीं है। तो चलते हैं इधर, यहाँ पर पेज के ऊपर दो ऑप्शन दिए गए होंगे, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन द डेविल्स विंड, इसका करेक्ट ऑप्शन है कौन सा? द डेविल्स विंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स प्रेजेंट्स एन आयरोनिक व्यू ऑफ ए फ्रेंडशिप बिटवीन रिल्की ए फिशर बॉय एंड टली ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए मल्टीनेशनल कंपनी। चार ऑप्शन सामने हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, अमिताभ बच्चन वाले के ABC की तरह से, A, B, C और D, कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा? फ्रेंड्स इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी प्लेजर सिटी। हालांकि इसमें हम आपको करोड़ तो नहीं दे रहे हैं KBC की तरह से, लेकिन अगर पढ़ के याद कर लोगे तो करोड़ों कमाओगे ज़िंदगी भर में, मज़ा भी आएगा, लोग इज्जत भी करेंगे, जिनकी शादी नहीं हुई हो जाएगी, अच्छी शादी होगी, नहीं भैया सब पूछेंगे कि लड़के का क्या करत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ जयंत महापात्रा। इनमें से कौन सा महान जयंत महापात्रा का वर्क, हम संबित पात्रा लिखा है, जयंत महापात्रा का कौन सा वर्क नहीं है, कौन सा वर्क नहीं है? इन लव, ऑप्शन बी नहीं है उनका। बाकी 3 इंडियन पोएम्स, द इंडियन वे और डॉन एट पूरी, ये सब संबित पात्रा मतलब जयंत महापात्रा का वर्क है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सॉरी मैं सिर्फ इसलिए बताया था कोई पार्टी से और किसी चीज़ से मेरा कोई मतलब नहीं है, मतलब दिखाई हुई सारी चीज़ें, बोली हुई सारी चीज़ें किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, उसके लिए क्षमा करें। चलते हैं 66 पर है ए अरविंद कृष्णम। आप जो है इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन ए इसका करेक्ट है अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा। क्वेश्चन क्या है पहले आंसर ही बता दिए। द रिवर हैड एज्ड बिकमिंग ए सरपेंट विद इनविजिबल स्केल द ओल्ड बीनियन ट्री स्लैप्ड इट्स हेड फिल्ड विद रूट्स, इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे जैसे समय बीतेगा तेजी से। हु अमंग द फॉलोइंग आथर इज अ रेगुलर कंट्रीब्यूटर टू द न्यू यॉर्कर, इसके करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करने हैं, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी वेद प्रकाश मेहता। वेद प्रकाश मेहता के फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 68 पे, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड चमन निहाल विन ए साहित्य अकेडमी अवार्ड। खूब साहित्य अकेडमी अवार्ड चलता है यहाँ, यही इस क्वेश्चन में ढेर से बना है। इसका है आज़ादी, है ना? चमन निहाल विन ए साहित्य अकेडमी अवार्ड आज़ादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ सरोजिनी नायडू वाज पब्लिश्ड पोस्थमसली। चलिए इसको बताइए, ये क्वेश्चन अच्छा है, मज़ेदार क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, द फीदर ऑफ द डॉन इसका करेक्ट ऑप्शन। अच्छा फीदर ऑफ द डॉन किसने लिखा है? नायडू ने लिखा है, वेरी गुड। द क्वीन ऑफ राइवल्स किसने लिखा है? ये ऑप्शन बी किसने लिखा है? ये भी नायडू ने लिखा है। इफ़ यू कॉल मी, अगर तुम मुझे बुलाओगे तो क्या होगा? ये तो नायडू जी बताएंगी। तो इफ़ यू कॉल मी किसने लिखा है? नायडू ने लिखा है। पहला क्वीन बीवियर बीयरस किसने लिखा है? उन्होंने ही लिखा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 70, हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स हैज़ बीन डब्ड एज ए पोएटास्टर बाय निज़िम इज़कील? करेक्ट ऑप्शन इसका बी है प्रेटिस नाइंडी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पेज पे आ गए और इस क्वेश्चन में है कि हु वाज द फाउंडर एडिटर ऑफ द लिटरेरी क्राइटेरियन? हु वाज द फाउंडर ऑफ एडिटर ऑफ द लिटरेरी क्राइटेरियन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स सीडी नरसिम्हा, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 71 पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ आर के नारायणन हिज फेमस कार्टूनिस्ट ब्रदर आर के लक्ष्मण हैज़ गिवन स्केचेज? चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन बताना है और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, द इमेराल्ड रूट इसका करेक्ट ऑप्शन है। द इमेराल्ड रूट किसने लिखा था? आर के नारायणन ने लिखा है। तो बाकी मालगुडी डेज, द पेंटर साइन, पेंटर ऑफ साइन और बैचलर ऑफ आर्ट किसने लिखा है? और उन्होंने ही लिखा है। और किसने लिखा? किसने? आर के नारायणन ने, इन्होंने नहीं। चलिए 73 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ पीटी नेहरू? कौन सा वर्क पीटी नेहरू का नहीं है? अगला नंबर 13, क्वेश्चन ए इसका, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अवेकेंड कंसाइंस इन्होंने नहीं लिखा है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जॉब ऑफ नाइफ विल डू इट। द एबव लाइन्स आर एसोसिएटेड विथ विच पोएट? ये लाइन कौन से पोएट से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है? ऑप्शन सी जीव पटेल से है। चलते हैं नेक्स्ट। अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ सर्वपल्ली राधाकृष्णन इज करेक्ट सीक्वेंस? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के वर्क का करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है? ये मैच कर लीजिए। करेक्ट सीक्वेंस इसके बाद बता दीजिए इसका करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा। सबसे पहले होगा इंडियन फिलॉसफी और इसके बाद होगा द हिंदू ऑफ लाइफ, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, और इसके बाद होगा एन आइडियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ, एंड इसके बाद लास्ट ऑप्शन, इसका मतलब ऑप्शन ए 3, 4, 2, 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76, हु अमंग द फॉलोइंग आथर्स गॉट ए मैक आर्थर प्राइज फेलोशिप? मैक आर्थर प्राइज फेलोशिप कौन पाया था? ए.के. रामानुजन पाए थे, इन्होंने पाया था। अरे हिंदी भाषा में पाए थे ये सब हो जाता है थोड़ा। पिक द करेक्ट सीक्वेंस, पिक द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है इसको पिक करिए। तो दो ऑप्शन यहाँ पर हैं। चलिए इसके करेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं। करेक्ट ऑप्शन है इसका ये रहा। योजना की तरह से लिस्ट आ रही है। हाँ, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, द इंटीरियर लैंडस्केप हाइम फॉर ड्रॉनिंग द स्ट्राइडर इसका करेक्ट ऑप्शन है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु कॉल्ड अरुंधति रॉय सक्सेसफुल वेंचर इन फिक्शन ए फ्रीक? किसने कहा था? कमला दास हैं कहीं? हाँ हैं, ऑप्शन डी सी में है। 79 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ राजा राव डिपिक्ट्स द स्टोरी ऑफ ए रेवेन्यू ऑफिस क्लर्क एंड हिज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? चार ऑप्शन फिर से हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे अमिताभ बच्चन की तरह, लेकिन पैसा उतना नहीं मिलेगा। पैसा जब पढ़ के याद कर लोगे, कमाने लगोगे तब मिलेगा। 79 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, द कैट एंड शेक्सपियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस कैसे बोला था इन अंग्रेजी में। चलिए 80 वाला क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन है बी इसका करेक्ट है। द काउ ऑफ द बैरिकेड्स एंड अदर स्टोरीज, संस्कारा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए शॉर्ट स्टोरी बाय राजा राव? कौन सा राजा राव की शॉर्ट स्टोरी नहीं है फ्रेंड, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी द हिंदू। अब जल्दी जल्दी चलते हैं, लेकिन जो मुश्किल में खड़े रहते हैं, जो अंतिम समय तक लड़ते हैं, वही विजेता होते हैं, Which of the following works contains speeches and writings about India during the emergency period? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए वॉइस फॉर फ्रीडम। और ऑप्शन 83 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ नयनतारा सहगल वन हर द साहित्य अकेडमी अवार्ड 1986 में किस वर्क के लिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रिच लाइक अस। रिच लाइक अस इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 ये कहता है, ये बस कुछ ही क्वेश्चंस रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 84 ये कहता है कि विद विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वुड यू एसोसिएट द कैरेक्टर्स ऑफ निखिल, विमला एंड संदीप? इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स कौन सा होगा? ऑप्शन सी द होम एंड द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नयनतारा सहगल? कौन सा ऑटोबायोग्राफी है नयनतारा सहगल का? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? आप जल्दी से सोच लीजिए तो मैं बताता हूँ, प्रिजन एंड चॉकलेट केक इसका करेक्ट ऑप्शन है। 86 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉवेला रिटेन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर? रविन्द्रनाथ टैगोर का नॉवेला कौन सा है? अब राइटर बढ़िया आ गए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को हमने पढ़ा है, काफ़ी दिनों से पढ़ा है इसलिए उनको जानते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है दी बुक एन नेस्ट। फ्रेंड्स अगर आप चाहें थोड़ा सा रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बात हो जाती है, चलिए बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। पहला फैक्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? 7 अगस्त 1941 को। जन्म कब हुआ था? 1861 में। और डेथ कब हुई थी? 1941 में। कहाँ हुई थी? कोलकाता में। ठीक, इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 1913 में मिला था। अच्छा, किस लिए मिला था? लिटरेचर के लिए मिला था। इनके कुछ और वर्क गीतांजलि हैं, घोरा बेयर है, गोरा है, जनगणमन है, रविंद्र संगीत है, अमार सोनार बांग्ला, ये सारे वर्क रविंद्रनाथ टैगोर के हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 87। अब क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पोएम रिटेन बाय रविंद्रनाथ टैगोर? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा कौन सा वर्क नहीं लिखा गया है? तो ये है ऑप्शन डी ए बेंड इन द गंगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 का, पिक द करेक्टली मैच्ड पेयर। करेक्टली मैच्ड पेयर में इसको पिक करना है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए के रामानुजन पद्मश्री, ये इसका करेक्ट पेयर है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 89 पे, द डार्क रूम। 89 का इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट पेयर है, यहीं से पूछ लिया है। और इसका भी बताना है करेक्ट पेयर कौन सा है। तो इसका करेक्ट पेयर है ऑप्शन बी लव सॉन्ग स्ट्रीट ब्रिटिश 90, इसका करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 90 है, इसमें भी आपको वही बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी सोल प्रेयर सरोजनी नायडू ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वॉज द रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद नरेंद्रनाथ? ये हो गया व्हाट वॉज द रियल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद, ये तो सब लोग बताएंगे, बड़े आसानी से बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बस ये लास्ट कॉलम है जिसमें सारे क्वेश्चंस लगभग कवर हो जाएंगे। हु एड्रेस्ड द इथिकल सोसाइटी ऑफ बुकलिन एंड द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी? हु एड्रेस्ड, अब कौन एड्रेस किया था बताइए? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु राइट्स कॉलम इन द हिंदुस्तान टाइम्स? कौन हिंदुस्तान टाइम्स में कॉलम लिखा करते थे? करेक्ट ऑप्शन है खुशवंत सिंह। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स पोर्ट्रेज द लाइफ ऑफ ए सिख फैमिली बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? सोच लीजिए, सोच लीजिए। आई शैल नॉट हियर द नाइटिंगेल। हाइट के पढ़ाई को फायदा ना है, ठीक ठीक से सीरियस होकर पढ़ाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑन ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी। इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स कौन सा होगा? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इन चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ए साइलेंस ऑफ डिज़ायर। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल कॉमेडी। सोशल कॉमेडी इसमें से कौन सा है? चार ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शंस चूज़ करना है। करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा इस्मंड इन इंडिया, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। हु अमंग दी फॉलोइंग हैज़ एडिटेड एन इमर्सन रीडर एंड ए मार्टिन लूथर किंग रीडर। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 97 का सी, निसिम इज़ीकिएल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है, जिसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, द पॉइजन ट्री, पर्सियन पेंटिंग, ओशन ऑफ लाइट, गांधी द राइटर। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दो क्वेश्चन और रह गए हैं फ्रेंड्स, दो क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वर्क ऑफ कमला दास। इसमें से कौन सा कमला दास का वर्क नहीं है? करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लियर लाइट ऑफ डे। क्लियर लाइट ऑफ डे मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसलिए दोबारा नहीं बताऊँगा। एक बार फिर से वीडियो देखिए या फिर किसी भी तरीके से याद हो तो आप एक बार कमेंट में लिखिए कि क्लियर लाइट ऑफ द डे किसका वर्क है और कब पब्लिश कराया गया था। It is your responsibility to answer in the comment box so that I may be appreciated by you all. कुछ तो लगे कि आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है, सेट करना है। जैसे दूल्हा दुल्हन की शादी के लिए अगुआ सेट कराता है, उसी तरह से आप आगे पीछे सेट करना है, वैसे नहीं। देख लो कौन सा पहले लिखा गया फिर बाद में। इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड होगा ये, ट्रेन टू पाकिस्तान। किसने लिखा? खुशवंत सिंह ने लिखा है। डिस्टेंट ड्राम क्लोज टू द स्काई, ये हटा दी ने। ट्रू वर्जिन्स, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ये ऑप्शन डी बता दिए, अब इसको हटा देते हैं, ये समझ लीजिए। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को धीरे से दबा दें, उतना दबाएँ जितने में कि वो प्रेस हो जाए और सारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। वीडियो थोड़ी सी अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, लाइक करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और आप सभी सब्सक्राइबर्स जिन्होंने पहले से ही हमको सब्सक्राइब किया है, आपका हाथ जोड़ के नमन बंदन अभिनंदन नमस्कार खमा खड़ी वड़क्कम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम नमस्ते बाय बाय।